Brought to you by by Biz Analyst by Khata Book। सरकार चाहे जितनी आए पर उनको बाहर तो नहीं निकलना निकलना मुश्किल है राजनीति तो सर अब राजनीति में जब उतर आयन है तो राजनीति तो करना पड़ेगा सर अब प्रियंका दीदी में जुड़ गए हैं तो हटेंगे नहीं पार्टी ढूँढ ढील के उत्तर प्रदेश की कमान जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली उसी के बाद से उन्होंने 40 फीसदी आबादी को लगातार अपने भाषणों से लेकर अपने कार्यक्रमों में लगातार उनको तरजीह दी है जिसके चलते उन्नाव जनपद में तीन महिलाओं को सीटें दी गई थी उसी में माखी कांड से चर्चा में आई पीड़िता की माँ आशा सिंह को उन्नाव सदर से कांग्रेस ने टिकट दी थी आइए जानते हैं क्या कारण था कि उनको कांग्रेस से टिकट मिली और क्या कारण था उनकी हार को लेकर और आगे की क्या अभी उनकी रणनीति रहेगी आशा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर ये बताइए क्या कारण आप मानती हो कि कांग्रेस जैसी पार्टी ने आपको टिकट दिया और हार का सामना देखना पड़ा इसमें क्या कारण मुख्य हो पाने। प्रियंका दीदी ने हमको टिकट दिया है हम प्रियंका दीदी को धन्यवाद करती हूँ और प्रियंका दीदी में हमेशा जुड़ी रहूँगी हर जीत तो अप, हाथ में अपने हाथ में नहीं है हर जीत तो लगी रहेगी हम उम्मीद करेंगे फिर पार्टी में अगर जुड़ गए तो हमेशा जुड़, जुड़े रहेंगे क्या न्यूज़ वाले को धन्य धन्यवाद करती हूँ कि न्यूज और चैनल को धन्यवाद बोलती हूँ पर यही है कि हार जीत तो भगवान के ऊपर होती है क्या कारण मानती है कि जनता ने आपको नकार दिया है कि जनता ने साथ देते हुए भी कहीं ना कहीं बीजेपी का इतना लहर होने के बावजूद हार का कारण सामना करना पड़ा नहीं माता कुछ तो कारण हुई है सर जिसने वोट दिया है उसको भी धन्यवाद जिसने नहीं दिया उसको भी धन्यवाद जिसने जीता उसको भी धन्यवाद इसमें आप क्या कारण मानती है कुलदीप सिंह भी के कुछ कारण बन सकते हैं इस हार के कारण को लेकर कुलदीप सिंह ने माँ आप जेल से बैठे बैठे यही बोलते थे कि मेरी सरकार आएगी मेरी सरकार आएगी तो तब सरकार चाहे सरकार, तो तो सरकार, तो तो सरकार चाहे जितनी आए पर उनको बाहर तो नहीं निकलना निकलना मुश्किल है कि जब मेरा देवर जेल के अंदर है चार चार हमारे घर में तेरह ही परी हैं उनको पैरवल मिलना चाहिए ना मेरे घर में चार चार लड़कियां हैं मेरे घर में कोई कमाने खमाने वाला नहीं है उनको पैरवल दी जाए वो तेरा करें फिर पुलिस कटमरी बेल मांग रहे हैं उनको दीन जाए वही अपने घर में काम क्रिया करके तेरा करके फिर अंदर चले जाएंगे कोई परेशानी नहीं हमको लोगों को भविष्य को लेकर आप राजनीति के बारे में क्या सोचते क्या भविष्य आपका राजनीति तो सर अब राजनीति में जब उतर आयन है तो राजनीति तो करना पड़ेगा सर आप प्रियंका दीदी में जुड़ गए हैं तो हटेंगे नहीं पार्टी ढूंढ ढील के हम क्या लगता है प्रियंका जी अगर आगे, आगे आपको मौका देती हैं सांसद या कुछ और ऐसी जगह से लड़ने लड़े तो सर जी ढीलेंगे नहीं लड़ेंगे अगर दीदी मौका दे ही रही हैं तो लड़ेंगे हमेशा जुड़ी हैं और दे मौका ना दे तब भी हम जुड़ी रहेंगे उनके पर क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी सर यही माता प्रियंका दीदी हमारा साथ दे रही हैं तो कभी मेरा साथ ढीलेंगी नहीं पार्टी में जोर दिया है तो मेरा साथ कभी नहीं टूटेंगी ये हमको उम्मीद है प्रियंका दीदी पर बहुत, है। बहुत 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 धन्यवाद आशा जी का ये थी आशा सिंह जी जो कि कांग्रेस से अभी उन्नाव सदर से सीट से लड़ी थी इन्होंने काफ़ी अपने परिवार में फेरबदल देखा है काफ़ी मौतें देखी हैं जिसको लेकर आज भी ये आहत हैं कहीं ना कहीं अब इन्होंने प्रियंका गांधी पर फिर से भरोसा जताते हुए उनके ऊपर आभार प्रकट किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्रियंका दीदी का जो भी आगे आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा विशाल सिंह उन्नाव यूपी तक